सबसे पहले जो है ना एरर्स डिस्कस करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड एज द DNS. मेजर टॉपिक ही इसमें यही है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. डेविएटेड नेजल सेप्टम, सारी डिटेल में भी डिस्कस करता हूँ वन बाय वन. सबसे पहले कि डेविएटेड मतलब कि अपने नॉर्मल पाथ से जो है ना रिमूव हो जाए. फॉर एग्जांपल, अगर इस ट्राइंगल को आप नोज ही कंसिडर करें और ये एक अटैचमेंट पॉइंट ये है और एक ऊपर है, दिस इज़ द प्रॉपर अलाइनमेंट ऑफ द नेजल सेप्टम. यहाँ से किधर भी इस तरफ या उस तरफ हो जाए या कोई भी कर्व आ जाए तो वो डेविएटेड नेजल सेप्टम में आएगा. तो ये बस डायग्राम अपने दिमाग में याद रखें, दिस इज़ द प्रॉपर नोज की एक पॉइंट ये एक पॉइंट ये. तो अब DNS हो क्या होता कैसे है, या जो है ना दो कॉज होते हैं, एक है डेवलपमेंटल एरर आ रहा है या जो है ना इसमें कोई इंजरी हो गई है. तो ट्रॉमा, ट्रॉमा ये कि ये नोज़ है, इसको आपने पंच कर दिया, ब्लो आ गया, तो इसकी वजह से क्रैक्स हो गए हैं, कंपाउंड फ्रैक्चर हो गया. तो वो सारे ऑफ कोर्स इस तरह करके पड़े रहेंगे इनसाइड द पेरिकॉन्ड्रियम. ठीक है, डिपेंड करता है, अगर अगर बोन भी डिस मतलब टूट गई है तो पेरियोस्टियम के अंदर टूटा टूटा पड़ा होगा, इस तरह टूटा टूटा पड़ा होगा. तो इसकी वजह से भी ऑफ कोर्स डेविएट हो गया है. अब ये डेविएट होगा तो सिम्टम्स क्या होंगे, मतलब देखें अब ये मैं बेसिक कॉन्सेप्ट चले मैं ये अंदर जब टाइप्स डिस्कस करूँगा उसे मैं डिस्कस कर दूँगा, अभी ज़रूरत नहीं है. जब टाइप्स डिस्कस हो जाएंगे तो वो एक साथ ज़्यादा बेटर एक्सप्लेन होगा ये क्या होगा वाले पोर्शन. एक तो ये हो गया, एक ये कि बर्थ डिलीवरी मतलब डिलीवरी के टाइम जो है ना फोर्सेप डिलीवरी हो जिसकी वजह से जो है ना ये नोज़ डैमेज हो सकता है, तो उस टाइम ये करेक्ट नहीं किया, तो जब बाद में जब ये प्रॉपर बन जाएगा तो उसकी वजह से भी ये डेविएशन परमानेंट रह सकती है, फिर बाद में ऑफकोर्स सर्जरी करनी पड़ेगी. तो इसीलिए अगर ब्रीच डिलीवरी हुई है या कोई और बर्थ इंजरी हुई है तो उसमें जो है फोर्सेप डिलीवरी, तो उसके थ्रू जो है ना मतलब स्टार्ट में ही जो है ना हमने ट्रीट कर देना है ताकि वो बाद में प्रॉब्लम ना बने, क्योंकि इसकी वजह से ब्रीथिंग प्रॉब्लम आती है. ये भी टॉपिक डिस्कस करूँगा या चले वो इधर ही डिस्कस कर लेता हूँ, स्लीप एपनिया वाली बात. स्लीप एपनिया, स्लीप का मतलब, स्लीप का क्या मैं बता रहा हूँ, स्लीप एपनिया, एपनिया मतलब के ब्रेथ मतलब के इनएबिलिटी टू ब्रीथ, आप एक किस्म का ले लें. तो जब भी ये बंदा सोएगा तो उसी टाइम ही डायरेक्ट उठ जाएगा, क्यों, क्योंकि ब्रेथलेस होगा. तो वो इसलिए नेजल, उसका मेजर एक कॉज नेजल सेप्टम भी है. तो उसमें जो है ना अगर अदर मेडिकेशंस के थ्रू अगर ब्रीथिंग प्रॉपर सही नहीं हो रही तो ऑफकोर्स वो पेशेंट भी फिर नेजल सर्जरी उसकी होगी, सेप्टल सेप्टम DNS की सर्जरी होगी उसकी. ओके, तो ये तो ट्रॉमा हो गया. अब है डेवलपमेंटल एरर. डेवलपमेंटल एरर इस तरह होगा कि देखें ये मैंने दो पोर्शन डिस्कस किए थे, ठीक है, एक अटैचमेंट ऊपर एक अटैचमेंट नीचे. तो नीचे क्या है, नीचे इधर हार्ट पैलेट है और ऊपर क्या है वही जो यहाँ से ऑरिजिन हो रहा है. तो ये नेजल सेप्टम जो है ना टेक्टोसेप्टल प्रोसेस से जो है ना फॉर्म होता है. अच्छा, ऐसे जो है ना मतलब कि ऊपर से भी ग्रो हो रहा है, नीचे से भी ग्रो हो रहा है और फिर मिल जाता है और फिर इस तरह प्रॉपर बन जाता है. ये बेसिक आप याद करें. अब ये होता है ऐसा है ना कि बच्चों में मैंने पीछे भी एडेनॉइड्स बताए थे, वो इसलिए बताए थे क्योंकि इधर ज़रूरत अब आ गई है. तो एडेनॉइड का जब पेशेंट होगा जिसकी एडेनॉइड हाइपरप्लेजिया हो गई है तो ऑफकोर्स उसमें नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होगी. ये एडेनॉइड का पेशेंट है, अब देखिए यहाँ से जो है ना एयर फ्लो इतना कम है, ये एडनर्ट हाइपरप्लेजिया है. ये ज़्यादा एडनर्ट के चैप्टर में डिस्कस कर लेंगे, यहाँ पे ज़रूरत नहीं है. नोज़ में मैंने डिस्कस, सॉरी नोसोफेरिंक्स में डिस्कस कर दूंगा. यहाँ से देखिए एयर पैसेज कम है तो ये बच्चा जो है ना नोज़ ब्रीथ मतलब के नोज़ से प्रॉपर ब्रीथ नहीं करेगा, तो ये जो है ना माउथ से ब्रीथ करेगा. तो ये क्या है, एडनर्ट के पेशेंट सारे माउथ ब्रीथर्स होते हैं. तो जब बच्चा जब होता है ना, जब वो माउथ ब्रीथिंग करता है तो फर्स्ट में उसकी जो है ना ये हार्ट पैलेट है, ये प्राइमरी डेंटेशन हुई हुई है, सेकेंडरी अभी नहीं हुई. तो अब ये जब एक्सेसिवली माउथ ब्रीथर होगा या एडेनॉइड का पेशेंट, इधर बेसिकली होते हैं, या किसी की आदत भी होती है माउथ से ब्रीथिंग, वो अलग बात है, लेकिन मेजरली हम एडेनॉइड के पेशेंट में डिस्कस करते हैं क्योंकि हम डेवलपमेंटल एरर डिस्कस कर रहे हैं. तो इसको जब माउथ से ब्रीथर कर रहा है तो इसकी वजह से जो है ना जब सेकेंडरी डेंटेशन होगी तो इसका ये ज़रा हाई आर्च्ड होगा, होना चाहिए था उसको इस तरह, लेकिन ये रेड वाला हो गया है. अब आप खुद सोचें, जब इस वाले पोर्शन को ऊपर की तरफ जाना था तो अब ये जगह ही इसको कम हो गई है, तो कर्व तो होगा ना. अब फर्ज कर इतनी ही जगह है दोनों में, आप जगह देख रहे कितना डिस्टेंस है इसमें और इसमें. रुकिए ज़रा मैं ये रब कर लेता हूँ एक्स्ट्रा चीज़ें.
ये चलें, आप खुद देख सकते हैं इस पोर्शन में कितना डिस्टेंस है और ये नॉर्मल वाले में कितना डिस्टेंस है। मैंने कहा था कि इधर से ग्रो करेगा, एक इधर से ग्रो करेगा, न इधर से प्रमिस्त्रा बन जाएगा ये प्रॉपर। अब खुद सोचिए, जगह कम है ना, स्टार्ट ही यहाँ से हो रहा है, तो ऑफ कोर्स मिड लाइन में सही नहीं हो पाएगा, तो वो क्रुकेड हो जाएगा, तो इसको डेविएटेड नेजल सेप्टम कहेंगे, डेवलपमेंटल डेविएट हो गया है। अब डेविएटेड नेजल सेप्टम की टाइप्स कौन सी होती हैं? एक जो है ना, इसमें एंटीरियर डेविएशन होगी। चाहे मैं इधर इस तरह चार बना लेता हूँ, क्योंकि फोर टाइप्स हैं, थ्री फोर नहीं फाइव है, सॉरी, एक दो तीन चार पाँच, ठीक है। ये सॉरी, मुझे ये वाली नहीं बनानी चाहिए थी। अच्छा, तो मैंने कहा था एक अटैचमेंट पॉइंट ऊपर है और एक नीचे है, तो सबसे पहली वाली टाइप है एंटीरियर डिसलोकेशन। वो क्या होगी? बिल्कुल स्ट्रेट होगी, लेकिन अपनी जगह की जगह दूसरी जगह अटैच्ड है। आप देख रहे हैं ये कैविटी छोटी है और ये मोर रूमी है। डिटेल में बाद में डिस्कस करता हूँ कि अब ये अब क्या होगा इसको। एक है सी शेप्ड डिफॉर्मिटी, सी शेप्ड है इस तरह, मतलब इस तरह टाइप का। देखें, स्मॉलर कैविटी, लार्जर कैविटी, ये नॉर्मल है, ठीक है, ब्लू ब्लू नॉर्मल है, और ये रेड अभी मैं एबनॉर्मली बता रहा हूँ। एक होगा स्पर, स्पर क्या होता है? वो इस टाइप का होता है। एक हो गया एस शेप डिफॉर्मिटी, इसमें क्या होगा? दो कैविटीज, वो दो कनकेव कैविटीज बन गई, एक इस तरफ एक इस तरफ, और एक है सेप्टल हीमाटोमा। देख रहे हैं आप, ये पांच हो गई हैं। अच्छा, तो वन बाय वन डिटेल डिस्कस करते हैं। मैं ज़रा एक कलर चेंज कर लेता हूँ कि ज़रा बेटर एक्सप्लेन व्यू हो। अच्छा, जो कैविटी छोटी है उससे तो नेजल ऑब्स्ट्रक्शन इसको है ही है, क्योंकि ऑफ कोर्स एयर कम जा रही है। अब ये जो बड़े वाला कैविटी है, तो आप कहेंगे यार ये तो इसकी जगह ज़्यादा एयर इसमें जा रही है, तो बस बैलेंस आउट हो गया, लेकिन ऐसे नहीं होता। असल में जब ज़्यादा एयर जा रहा है, तो नोज़ का क्या फंक्शन है? वो बाहर जो ड्राई एयर है उसको ह्यूमिडिफाई कर रहा है, उसको वार्म कर रहा है, तो इसके म्यूकोज़ा एक हद तक जो है ना, एयर को ड्राई और ड्राई एयर को ह्यूमिड कर सकते हैं, एक हद तक करेंगे ना, तो एक हद तक करके यहाँ पर क्या हो जाएंगे? क्रस्ट बन जाएंगे। क्रस्ट क्यों? क्योंकि यहाँ पर म्यूकोज़ा ड्राई अप हो गया है, तो वो क्रस्टिंग की वजह से इस तरह से रख रख के क्रस्ट बन गए हैं। अब खुद सोचें, यहाँ पर एयर अब कैसे जाएगी? अब ये भी छोटा है और ये भी छोटा है, ये बड़ा है भी कैविटी, लेकिन इधर क्रस्ट बने हुए हैं, तो फिजियोलॉजिकली दोनों ही जब छोटे हो गए हैं क्रस्ट की वजह से, तो अब ये जो है ना, नोज़ ब्रीथ सही कर नहीं कर पाएगा। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जो है ना, ये छोटी कैविटी है, ये बड़ी कैविटी है, वही सेम कॉन्सेप्ट इधर भी आ गया। यहाँ पर नेजल स्पर है, स्पर क्या कर रहा है? यहाँ पर लेटरल वॉल ऑफ द नोज़ में साइनसिस होते हैं, तो वो उधर जाके हिट करता है, उसकी वजह से ब्लीडिंग होगी इस पेशेंट को, और साथ में इसमें सिवियर हेडेक भी होगा। तो मैंने एक सिम्टम यहाँ पे नेजल ऑब्स्ट्रक्शन का डिस्कस किया था, इधर एपिस्टेक्सिस हो गई है। एपिस्टेक्सिस मतलब के नोज़ ब्लीडिंग, ये एपिटेक्सिस नहीं होती, ठीक है, एपिस्टेक्सिस है। इस पे भी जो है ना, एग्जामिनर्स थोड़े माइंड करते हैं इस वर्ड पे। ओके, तो ये अब स्टार ये क्या था? हाँ, ये जो है ना, हेडेक था, हेडेक। अब एक और ईयर में मैंने एक्सप्लेन किया होगा, ओटाइटिस मीडिया। तो इन बच्चों में जो है ना, ये ईयर है, ईयर मैंने इसी ड्रॉ कर दिया, ये तो नंबर थ्री लग रहा है, लेकिन चले। ओके, तो इधर ओटाइटिस मीडिया था, तो इधर से एयर जब पीछे प्रॉपर जाएगी, तो स्टेशन ट्यूब में एरिएट हो जाएगा, नहीं तो वो एरिएट नहीं होगा, उसमें एयर आ जाएगी नहीं, तो वो क्लियर आउट कैसे करेगा? तो नहीं करेगा, तो ओटाइटिस मीडिया भी इस पेशेंट में हो सकता है। तो ये सारे इसकी क्लिनिकल फीचर्स भी यहाँ पर हो गए हैं। ओके, तो ये एस शेप्ड है, यहाँ पर दोनों जो है ना, ओपन कैविटीज़ है, तो दोनों में क्रस्ट बन जाएंगी, तो फिजियोलॉजिकली ये सब सेम है, ठीक है ना। हिमाटोमा है, मैंने जो है ना स्टार्ट में डिस्कस किया था, यहाँ पे ब्लीडिंग हो गई है, यो जिसकी वजह से ये सेप्टम के कार्टिलेज और पेरिकॉन्ड्रियम, उन दोनों के बीच में ब्लीड आ गई है। अभी जो है ना, इसी वाली टॉपिक में मैं अभी नेक्स्ट भी कर लेता हूँ, हम डिस्कस करेंगे इसके बाद सेप्टल हीमाटोमा। सेप्टल हीमाटोमा क्या होता है कि हमारे जो सेप्टल कार्टिलेज है, और सेप्टल जो कार्टिलेज है और उस पेरिकॉन्ड्रियम में, उन दोनों के बीच में क्या जमा हो गया? ब्लड जमा हो गया है। तो बस अब क्या करेंगे, इसको हम इंसिजन एंड ड्रेनेज करेंगे, प्रॉपर करते रहेंगे जब तक जो है ना, ये मतलब फ्लूड ये सॉरी ये ब्लड जो है ना, यहाँ पर जमा दोबारा ना हो, तो इसको भी ख्याल रखना है। अच्छा, अब अगर जमा हो गया तो क्या कॉम्प्लिकेशन होगी? सेप्टल एप्सिस, क्योंकि मैंने अभी बताया था इससे पहले
कि जब भी कोई फ्लूइड स्टैटिक होगा, ये आप ईयर में भी याद रखें, हर जगह याद रखें, फुल बॉडी की फिजियो फुल 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 बॉडी की पैथोलॉजी हर जगह सिमिलर होगी। जिधर भी फ्लूइड स्टैटिक होगा उधर खामखा बैक्टीरियल इन्वेजन होगी और वहाँ पे एब्सेस बनेगा। तो यहाँ पर भी हमने अगर रिमूव नहीं किया है तो एब्सेस बन जाएगा, जिसकी वजह से फुल नेक्रोसिस हो सकती है, तो सडन नोज डिफॉर्मिटी आ सकती है। तो बस ये भी हो गए हैं। अब लास्ट इसमें टॉपिक रह गया, दैट इज़ द सेप्टल परफोरेशन। सेप्टल परफोरेशन क्या होती है कि हमारे निधर सेप्टम है, यहाँ पे परफोरेशन हो गई है। परफोरेशन डिफरेंट कॉजेज़ की वजह से होती, हो सकती है, या जो है ना ट्रॉमेटिक हो सकती है, या जो है ना किसी टाइप की मेडिकेशन, जैसे कोकेन अब्यूज़र्स हैं तो कोकेन अब्यूज़र्स में भी जो है ना कॉमन है। उधर ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड्स में भी हो सकते हैं, जो कि केमिकल एक्सपोज होते हैं, ज़्यादातर एक्सपोज होते हैं, जिसकी वजह से वो जो है ना ये क्या कहते हैं परफोरेशन हो रही है। या पर जो है ना नेज़ल मायासिस हो रहा है। नेज़ल मायासिस क्या होते हैं? मायासिस मतलब कि मैकेट्स जो है ना नोज़ में जो है ना बिल्डअप हो रहे हैं, या जो है ना यहाँ पे फॉरन बॉडी स्टक हुई हुई है, या राइनोलिथ हुआ हुआ है। दोनों कॉन्सेप्ट सेम है। फॉरन बॉडी कोई भी बाहर से जो है ना बॉडी लॉच हो चुकी हो गई है बच्चों में, और राइनोलिथ, राइनो मतलब नोज़, लिथ मतलब स्टोन। तो दोनों क्या करेंगे, दोनों जब बड़े होंगे तो प्रेशर नेक्रोसिस करेंगे। आप इस तरह एग्जाम्पल लें, अपने ये कोई भी बॉडी पार्ट पर हाथ रखें और प्रेशर दें, तो आपको प्रेशर फील होगा ना। तो ये दोनों इसी तरह काम करते हैं, प्रेशर नेक्रोसिस करते हैं, जिसकी वजह से परफोरेशन हो गई है। उसके अलावा कोई भी ग्रेनुलेशन ग्रेनुलेशन जो है ना बन सकते हैं, उसकी वजह से भी जो है ना परफोरेशन हो सकती है। और उसके अलावा कोई इडियोपैथिक कॉज हो कि अननोन कॉज है, उसकी वजह से परफोरेशन हो गई है। अब जब परफोरेशन हो गई है, अब डिपेंड करता है कि वो बड़ी है कि छोटी है। और बहुत बड़ी है तो जो है ना हम उस पर सेप्टल सिलिकॉन बटन होता है, या सेप्टल बटन जो कि सिलिकॉन का बना होता है, वो जो है परफोरेशन के ऊपर डाल लेते हैं, तो वो जो है ना उससे क्लोज होती है। और उससे पहले जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो भी इसकी जो है ना मतलब कि जिसकी कॉज को रिमूव करेंगे, क्योंकि सिर्फ सेप्टम को नहीं ठीक करना, कॉज को भी रिमूव करना है। क्योंकि अगर हमने ठीक भी कर लिया बटन लगा कर और भी तो फिर भी ये जो है ना अगर इसी सब से एक्सपोज होगा तो दोबारा परफोरेशन हो सकती है, तो उसको भी प्रिवेंट करना है। तो ये चैप्टर भी हो गया। अच्छा, एक और बात बता दूं कि अगर इसमें कोई भी कन्फ्यूजन आ रही है तो साथ साथ कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, जितने सवाल भी हों सब सब पूछ लें। एक मैं जो हूँ ना सबके जवाब दे दूँगा।